नमस्कार, मैं हूँ नागनाथ बाबर और आप देख रहे हैं इन 20 पर न्यूज। आज हम बोईसर गांव और कोलोड़े गांव और सरावली गांव के डंपिंग ग्राउंड के बारे में जो कुछ दिन से कई दिनों से मसला चल रहा है वो प्रांत ऑफिस में आकर आखिरकार क्या निर्णय हुआ उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ में गाँव के सारे गाँव के लोग यहाँ पर है, कार्यकर्ता है, नेता लोग है, सरपंच है, जिनकी सत्ता है वो पार्टी के अध्यक्ष है, काफी लोग है, उनसे जानना चाहेंगे। संजय पाटिल साहब, आप ये बताइए कि आखिर ये कचरे का मसला क्या है? काफी सालों से हम लोग कलौड़ा ग्राम पंचायत के एरिया में जो एमआरडीसी का भी एरिया है उधर हम कचरा डाल रहे हैं 10-12 साल से, लेकिन उनको भी उस कचरे का बहुत तकलीफ होता है। इसलिए उन्होंने एक उनके पूरे सरपंच और उनके पूरे गांव वाले ने डिसीजन लिया कि इधर कचरा होने से हमारा एरिया का प्रदूषण बढ़ता है, हमारी जमीन जो है उसकी कीमत भी कम होती है। तो इस हिसाब से उन्होंने उनके तरफ से उसको बंद किया था और हम लोग काफ़ी साल से एमआरडीसी में डंपिंग ग्राउंड के लिए हम जमीन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासकीय एमआरडीसी वाले हमको साथ नहीं दे रहे। जमीन का बहुत तकलीफ है। हमारा जो बोईसर एरिया है वो सिटी एरिया होने के कारण उधर किधर भी जमीन उपलब्ध नहीं जिधर हम कचरा डाल सकते। इसलिए जो प्रॉब्लम हुआ है, अभी मोदी साहब ने 2 तारीख से भारत स्वच्छता अभियान का चालू किया है और बराबर उसी टाइम पे हमारा बोईसर का कचरा 5 दिन से उठाने का और किधर डालने का वो सवाल खड़ा हुआ है। अभी अभी प्रांत साहब के पास जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने भी बोला है कि तुम जगह देखो, हम आपको तुरंत जगह देंगे। उन्होंने सहकार्य करने का हमको आश्वासन दिया है, लेकिन दूसरे ग्राम पंचायत के इधर हमको जमीन कोई देगा नहीं। इसलिए ये समस्या अभी हम लोग को हमारे हिसाब से सॉल्व करनी पड़ेगी और हम चाहते हैं कि अभी एमआरडीसी में किधर ऐसे जगह पे कचरा डालेंगे जिससे कि एमआरडीसी वाले हमको खुद होके जमीन देना उसको मजबूर होगा, क्योंकि आज 10 साल में कभी एमआरडीसी वाले ने हमारी सुनी नहीं। हमने जिधर भी प्लॉट का हमने डिमांड किया उधर कंपनी वाले को ग्रीन जोन तोड़ के भी उन्होंने जमीन दी है। तो जो अंदर का व्यवहार है हम आपको बोलने से कुछ मतलब नहीं है, सबको मालूम है कि व्यवहार कैसे चलते हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी, एक पंतप्रधान अपने एक बाजू से कह रहे कि स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, और प्रशासन की जवाबदारी है कि कचरा डंप करने के लिए भी हमको जगह उपलब्ध करके दे, ये हमारी डिमांड है। कचरे डंप करने के लिए जगह देने के लिए डिमांड है। कोलोड़े गांव के जो मनीष सिंह, उनसे जानना चाहेंगे आखिर कचरे का क्या मसला है? देखिए, 10 साल से ये कचरे की जो समस्या है बोईसर और परिसर के सब गांव की, ये चल रही थी, मसला और निकला नहीं है। इससे पहले भी एमआरडीसी जिस लैंड की हमने डिमांड की थी तो उनके बहुत सारे कंडीशंस थे। पहली बात तो कोई किसी स्थानिक स्वराज्य संस्था को जगह नहीं देती है। उन्होंने बताया कि आप एक एनजीओ निकालो। हमने सब गांव मिलकर एनजीओ स्थापन की जिसका नाम है तारापुर संयुक्त घन कचरा व्यवस्थापन संस्था। उसका हमने डीपीआर बनाया क्योंकि वो जो भी डोमेस्टिक वेस्ट आएगा वो साइंटिफिकली डिस्पोज किया जाएगा, तो उसका डीपीआर बनाया। लेकिन फिर भी उनके जो भी सजेशन आए वो प्लांट्स के वो बराबर नहीं आए और उसके कारण इनकन्वीनियंट लैंड होने के कारण गाँव वालों के विरोध भी बढ़ते गए। तो हमने आज जो कोलोड़े ग्राम पंचायत ने कचरा डालना बंद करने के बाद 4थे दिन के बाद आज प्रांत अधिकारी महोदय ने यहाँ पे सभा बुलाई और वहाँ पे बहुत सारे मसले के ऊपर चर्चा की गई और उस चर्चा के अंत में हमने बताया कि जिस जमीन पे वो कचरा डाल रहे हैं वो वेटलैंड्स कैटेगरी में, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कायदेसी हो नहीं सकता है। और दूसरी बात हमने बताया कि एक गाँव में जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे उनको एक्सीडेंट के कारण डर का माहौल उस गाँव में हमेशा बना रहता है, जहाँ पे चारों साइड से अगर उस गांव में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इस गांव के ऊपर कृतज्ञता व्यक्त करने के शिवाय आप लोग आरोप करें वो गलत है। उन्होंने उनको समझाने के बाद कुछ प्रमाण में उन्होंने ये बात मान्य की और हमने उनको एक कोई सब्स्टिट्यूट लैंड के लिए यहां पे बताया और हम वहीं पे जा रहे हैं जो नई जगह उनको दिखाएंगे। जब तक कि प्रोजेक्ट के लिए सक्षम रूप से एमआरडीसी से हमें लैंड नहीं मिलती तब तक के लिए वो सेवा हम लोग अभी उपलब्ध करने के लिए जा रहे हैं। और खास करके इस मुद्दे के ऊपर आपने भी हमेशा ये मसले के ऊपर चर्चा की आपके माध्यम से, तो मैं इन 24 चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
जब तक पर्याय जगह नहीं मिलती तब तक जगह की व्यवस्था करने जा रहे, ऐसा इन्होंने कहा है। कोलोडे गाँव के आप सरपंच है, आप बताइए क्या मसला हुआ? हमारा गाँव में चार वर्षापासन कचरा टाकत होते, गावामध्ये फार दुर्गंधी झालेली, कचऱ्याचे ढीगच्या ढीग साचले होते आणि या स्वच्छता अभियान मोहिमेमध्ये आम्ही तो स्वच्छ गाव करायचं ठरवलंय, त्यामुळे आम्ही डंपिंग गाव ग्राउंड बंद करून टाकलं। आता आमचं गाव स्वच्छ आणि सुंदर कसं होईल ह्याचा आम्ही विचार करतो। मी सरपंच आले, माझ्या गावामध्ये सगळ्या सुविधा व्हाव्या अशी माझी इच्छा आहे आणि म्हणून ह्या डंपिंग ग्राउंड बंद करायचा विचार केलेला आहे। कचरा किस तरह से और कहाँ डाला जाएगा ये तो बताएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सरावली ग्राम पंचायत के भी सर्वेसर्वे है शिवसेना के माजी जिला प्रमुख प्रभाकर रावल, उनसे जानना चाहेंगे अभी कचरे का जो मुद्दा चल रहा है अभी क्या निर्णय हुआ और आप क्या निर्णय लेंगे? निर्णय भुईसर ग्राम पंचायत के हाथ में है। प्रांत साहब ने जो कुछ सजेशन दिया है कि हर ग्राम पंचायत अपना अपना कचरा व्यवस्थापन का बंदोबस्त करे, तो 15 दिन का अल्टीमेशन दिया है उन्होंने, मगर हमने कलोड़े ग्राम पंचायत ने वो अमान्य किया है। और हमारी एक ही मांग है कि जो MRDC का जगह उपलब्ध करना जवाबदारी है वो लोग नहीं ले रहे, तो हम ये कहना चाहती है कि MRDC का जो प्लॉट एक खाली पड़ा है जिसका नॉन यूज है ओनली, तो वहाँ ही हम लोग अभी बोसे ग्राम पंचायत को कचरा डालने को बोला है, वैसा अगर वो लोग ग्राम पंचायत को अड़ाएंगे तो बाकी के सब ग्राम पंचायत वहीं कचरा डाल के हम लोग वहाँ डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे। क्यों? तो MRDC की डिपार्टमेंट की आँख खुलनी चाहिए, इतनी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है और उन्होंने ये हमारे लिए डंपिंग ग्राउंड के लिए बंदोबस्त करना चाहिए या कचरा व्यवस्थापन करने के लिए प्रतिक्रिया जो होती है उसके लिए प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए हमको जगह देना चाहिए। अगर जगह नहीं देते तो MRDC ने खुद का प्रोजेक्ट जैसा TEPP बनाया है वैसा हमारे लिए भी, हमारे सब ग्राम पंचायत के लिए कचरा का व्यवस्थापन घन कचरा खत्म करने के लिए वो लोग ने अपना प्लान लगाना चाहिए। ग्राम पंचायत सरावली ग्राम पंचायत और कोलोड़ ग्राम पंचायत जो डंपिंग ग्राउंड का मसला होता है उस कारण आपने एक सभा बुलाकर जो समझौता हुआ या जो निर्णय लिया उसके बारे में यहाँ पे मराठी सांगितलं चालेल का? कोलोडे ग्राम पंचायत च्या हद्दीमध्ये भोईसर आणि आजूबाजूच्या परिसरातील ग्राम पंचायतींचा जो घनकचरा आहे तो कचरा त्या ठिकाणी टाकला जात होता। काही दिवसांपूर्वी कोलोडे ग्राम पंचायतीने त्या संदर्भामध्ये एक प्रकारची भूमिका घेऊन तो कचरा या ठिकाणी टाकू नये म्हणून सांगितलं आणि त्या ठिकाणी गेट लावून ते कचरा टाकण्यासाठी बंद केलं होतं। त्यांना ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आणि शेतीसाठी त्याचं नुकसान होतं म्हणून त्यांनी ती भूमिका घेतली होती। या संदर्भामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून माझ्या कार्यालयामध्ये मी आज ही बैठक बोलवली होती, त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ या ठिकाणी अधिकाऱ्यांसह उपस्थित होते। तर याच्यामध्ये कोलोडे ग्रामपंचायतीने भोईसर ग्रामपंचायतीमधल्या घनकचऱ्याच्या संदर्भामध्ये मदत करण्याचं धोरण या ठिकाणी घेतलं आणि त्यांना मदत म्हणून त्यांनी पर्यायी जागा सुचवून त्या ठिकाणी आता ते कचऱ्यासाठी मार्ग उपलब्ध करून दिलेला आहे। त्यामुळे भोईसरमधल्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना कचऱ्याची समस्या पुढे भेडसावणार नाही अशा पद्धतीचा मार्ग या ठिकाणी आता निघालेला आहे। हर एक ग्राम पंचायत ने अपना अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। हमारे साथ सरावली ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि कचरे का जो व्यवस्था है किस तरह से होना चाहिए। ये बोल नहीं पा रहे, हमारे साथ ग्राम सेवक है, आप बताइए कि आपके ग्राम पंचायत का जो कचरा है वो किस तरह से उसका व्यवस्थापन होना चाहिए। कचरे के लिए पूरा MRDC ने प्लॉट देना चाहिए, हमारे लिए हमारी खुद की जगह नहीं है, पूरा क्षेत्र MRDC में हो गया है, इसलिए कचरा किधर डंप करने का ये सबको प्रॉब्लम है। इसलिए MRDC ने खुद का जो प्लॉट है MRDC का वो हमको मुहैया करा मांगता है। सब ग्राम पंचायत जो इधर सरावली होगा पूरा जगह हो MRDC ने एक्वायर किया है, इसलिए हमारे पास ऐसा खुली जगह नहीं है खुद की, तो MRDC जो खुली जगह है वो उसने देनी चाहिए हमारे लिए डंपिंग ग्राउंड। काफी लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि MRDC उनको लग कर है, MRDC की जगह जब इनके MRDC ने जब इनकी जगह ली है, गांव वालों की जगह ली है, तो उनको MRDC ने मदद करना चाहिए और इस तरह सब गांव वाले की यही कहना है। हमारे साथ में सेना के एक नेता है जगदीश धोड़ी, उनसे जानना चाहेंगे कि अब प्रांत अधिकारी के पास आप आए थे, क्या बात हुई और क्या निर्णय लिया? प्रांत अधिकारी के पास हम लोग आने के बाद काफ़ी चर्चा हुई लेकिन निर्णय कोई हुआ नहीं, आखिरकार MRDC के पास ही हमको जाना है और हम सभी ग्राम पंचायतों ने निर्णय लिया है
कि MIDC के पास जहां ओपन भूखंड होगा वहां जाके हम कचरा डंप करेंगे और MIDC से मांग करेंगे कि हमें वो जगह दिया जाए, वरना संघर्ष जरूरी है और होके रहेगा। और जगह MIDC को ही देनी है, क्योंकि MIDC ने हमसे जगह ले ली है। आज हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है, चाहे महसूल प्रशासन इस पे कुछ भी प्रतिक्रिया दे, कुछ भी कहे, लेकिन जगह तो MIDC को देना पड़ेगा। अगर बिना जगह MIDC ये संघर्ष रुकेगा नहीं। और आज के इस मीटिंग के बाद सर्वपक्षीय दलों ने एक साथ निर्णय लिया है कि अब MIDC के खिलाफ लड़ेंगे। MIDC का जहां भी जगह खुली होगी वहां कचरा डंप किया जाएगा, और अभी हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आखिरकार सभी गाँव वालों का यही कहना है कि ग्राम पंचायत के बगल में जो MIDC ने जगह देना चाहिए, और हर एक का यही कहना है। अभी बोईसर ग्राम पंचायत के जो ग्राम सेवक है उनसे जानना चाहेंगे, जो कचरा व्यवस्थापन है आपका, इतना दिनों से कचरा नहीं उठाया गया, लोग तकलीफ महसूस कर रहे हैं, और आप प्रांत अधिकारी के पास जो मीटिंग हुई तो उसमें क्या निर्णय लिया और आप क्या करेंगे? अभी प्रांत के हिसाब से उन्होंने एक प्लॉट एक्वायर किया है MIDC का, वहाँ पे आज से कचरा डालने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद में आगे का संघर्ष क्या होता है देख लेंगे, फिर आगे का संघर्ष क्या होता है देख लेंगे, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और किसी मुद्दे को लेकर किसी और जगह जाते हैं, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार ये सारे गांव वाले मिलकर कचरा व्यवस्थापन किस तरह से करते हैं और डंपिंग ग्राउंड की व्यवस्था किस तरह से करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय घरत के साथ नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज, प्रांत अधिकारी कार्यालय, पालघर।